हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी लिविंग विद ध्रुवी। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका नाम है लौकी और चने की दाल की सब्जी। ये बहुत ही हेल्दी होती है। इसके लिए हम सबसे पहले एक हाफ कप चने की दाल लेंगे और उसे हाफ आवर तक सोक करके रखेंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें पानी उबलने के लिए रखेंगे। जब हमारा पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाए तब हम उसमें दाल डाल देंगे और दाल को हम 80% कुक होने देंगे। उसके बाद हम लौकी लेंगे और उसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे और उसे पानी में भिगो के रख देंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारी दाल रेडी है। अब चलते हम सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 टीस्पून ऑयल लिया है। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा जिंजर गार्लिक थोड़ा सा सौते हो जाए बाद में हम इसमें 1 कटा हुआ अनियन ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा अनियन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब बाद में हम उसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अनियन और टमाटो को 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून पिंक हिमालयन सॉल्ट ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम सारे मसालों को भी बहुत अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाले कच्चे ना लगे। तो हम 2 मिनट ढक के मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो हमारे मसाले सब अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो बाद में हम लौकी ऐड करेंगे। लौकी ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके ढक के जब तक लौकी 80% कुक ना हो जाए तब तक हम लौकी को पकाएंगे। बीच में चेक करके आप एक बार देख सकते हो कि लौकी कितनी हुई है। अभी ये लौकी 60% डन हुई है। इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। अब हमारी लौकी 80% कुक हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल दूंगी। अगर आपको थोड़ा पानी कम लगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जब हमारी लौकी 80% कुक हो जाए बाद में मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। और दाल और लौकी दोनों 80% कुक है तो दोनों को 20% हम साथ में कुक करेंगे, जिससे एक दूसरे में इसका रस एकजुट हो जाए। ये अभी 20% कुक हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, लौकी और चने की दाल की एकदम हेल्दी और टेस्टी रेसिपी रेडी है। मैं इसे ब्राउन राइस के साथ खा रही हूँ, जिसे मैं अपने डाइट में ऐड करती हूँ। ये खाने से आपका पेट भी भरा रहेगा और ये हेल्दी रेसिपी है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।